अभी जो बना है हमारा 6 ग्रेड के लिए शासन ने बनवाया है, जिसमें माननीय आदिवासी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके महोदय द्वारा 22 अप्रैल को इसका लोकार्पण किया गया एवं हमारी संस्था में पुराने 6 व 3 व्यवसाय चल रहे थे, वर्तमान में इस सत्र से 3 नए व्यवसाय संचालन किया जा रहा है। टोटल 9 यूनिट संचालित की जा रही है, जिसमें हमको बैठने की व्यवस्था नहीं थी। हमने क्या किया कि यहाँ पे मई में हमारा शिफ्टिंग चालू हुआ, अप्रैल में उद्घाटन हुआ, मई में शिफ्टिंग चालू हुआ। और जो PIU द्वारा हमें जो हैंड ओवर के लिए जो कागजात दिए गए थे, वो मैंने साइन इसलिए नहीं किया था कि भाई जो काम आपका पेंडिंग है उतना कर दो और मैं आपका सिग्नेचर कर दूँ। और लोकार्पण में भी यहाँ पर कार्यक्रम विधायक महोदय आए थे, उनके द्वारा भी चर्चा हुई थी, बताया थी मेरे चर्चा हुआ कितना काम बाकी है, हैंड ओवर हुए कि नहीं। मैंने बताया सर हैंड ओवर नहीं हुआ है, काम अभी बिल्डिंग में शेष है, जैसा काम पूर्ण हो जाएगा हम हैंड ओवर में मैं साइन करके प्रमाण पत्र दे दूँगा। अभी वर्तमान में जो स्थिति है बिल्डिंग में कि जो अभी पहली बारिश हुई, बारिश के कारण बिल्डिंग से सफेद और पानी का भराव और ऊपर छत में भी क्रैक है, साइड में समस्या है। तो मैंने अपने SDO महोदय भलावी साहब को भी अवगत कराया, उनने भी आज यहाँ पे निरीक्षण किए, निरीक्षण करने के बाद ठेकेदार महोदय से दुरुस्त करने के लिए बात कही और काम कराने के लिए कहे, लेकिन मैं दो माह से ही बोलते ही जा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि बिल्डिंग का जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। क्या लगता है गुणवत्ताहीन है बिल्डिंग? नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है ना कहीं कोई काम में गुणवत्ता में कोई कमी है, क्योंकि जो कमी है कितने क्रैक होंगे करीब? क्रैक छत में हमने इनको 4-5 क्रैक तो दिखाए थे और इन लोगों ने उसका कुछ ट्रीटमेंट भी किया है क्रैक का, लेकिन और बाकी चीज़ जो है हमारा पानी निकासी का गेट में जो बढ़ जा रहा है वो नहीं हो पा रहा है। इधर है लेडवास साइड में हमारे पास बिल्डिंग है, वो सीवेज है, वो भी नहीं हो पाया, साइड में भी हुआ है, और कुछ चीज़ खिड़कियों के साइड में जो पुट्टी नहीं हुई थी वो उनने ठेकेदार महोदय ने करवाया। कितने लागत की बनी हुई है जी बिल्डिंग हमारे? इसमें अभी बिल्डिंग इनकी नहीं हुई है, 4 करोड़ रुपये शासन से स्वीकृत थे और इसमें अभी बिल्डिंग नहीं हुई है, और शायद संभवतः जी इसकी फाइनल रिपोर्ट के बाद में जानकारी हो। 3.62 करीबन इसका इन लोगों का वो गया था, जब ठेके का जो टेंडर है 3.62 करीबन का इनका ठेकेदार कौन है? ठेकेदार हमारे शायद संजय बजाज महोदय जी हैं, मेरी उनसे भी व्यक्तिगत बात हुई थी। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है आपने? शिकायत हमने PIU को किया है कि हमारी जो एजेंसी है PIU, हम केवल PIU के ही बोल पाएंगे कि भाई इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्ट आउट वही का।